पठान आए एक लोगों की सिर्फ दिखावा करने लिए और लोगों की भड़काने लाइन के लगी है। राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग की पूछा, आख लगा बाबा ये नोटबंदी हुई नरेंद्र भाई मोदी ने बड़ा गलत काम किया और तुसे लोगों की अपना पैसा लेने लाने लाइन च खड़े उड़िया। वो बाबा आख लगा पुत्र कोई गल नहीं, मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया, मिगी अगर 10 घंटे भी बलगन पोग बलगने पोग मैं इंतजार करंग, लेकिन मोदी का जिहड़ा काम है ये बड़ा अच्छा काम है। एदी तकलीफ साढ़े लोगों नहीं हुई, ये उन्हें ही हुई जिन्हें करोड़ों अरब रुपए 2000 के 500 के नोट अपनी तिजोरी के अंदर बंद किए ने। चलता पाया सिर्फ खाद में दो मकान इंदिरा योजना तहत अद्धे बनते अद्धे अब ही बने रहते हैं। हूँ जो प्रधानमंत्री आज गांव त्रेवा के अंदर एक चुनावी सभा में हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। 11 अप्रैल को जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होने जा रहा है तो विश्नाथ विधानसभा क्षेत्र के अंदर से एक काफ़ी जोश जो हमारे लोगों में है। यहां हम आए थे और हमने देखा है कि जहां के बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान सभी जो नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने सबसे ये प्रार्थना की है कि 11 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट तो आपने मोदी जी को डालने हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वोटर नहीं रहना चाहिए जो वोट ना डाले, कि घर से हर एक जो वोटर है उसको वहाँ से पोलिंग बूथ तक लाना जो हमारे युवाओं का काम है उसके बारे में भी जहाँ जिक्र हुआ है। और मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश के अंदर जो इतनी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो काम किया, बॉर्डर के ऊपर जो इतने उन्होंने बेनिफिट्स जो अभी सरकार ने जो इनिशिएट किए हैं, इन सब को देखकर लोगों का मन है कि इस बार हम फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी को ही वोट देकर इनको दोबारा प्रधानमंत्री जो है वो बनाएंगे। लगता नहीं है कि ये विश्नाथ का स्कूल है, लग रहा है कि कोई वर्ल्ड लेवल का स्कूल है। ख्वाबों के इस आशियाने में भरेंगे हम